गुड आफ्टरनून ऑल, एम आई ऑडिबल? गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। वॉइस सुनाई दे रहा है क्लियरली? यस सर। यस सर। ओके, सो ऑल ऑफ यू फोर आर हियर, रचना, सरिता, निशा एंड धर्मेंद्र। ओके, तो और प्रोजेक्ट का स्थिति क्या है? यस सर, प्रोजेक्ट अभी हम लोग रेडी कर रहे हैं। अच्छा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, कोरोना वायरस में हम लोग हार्डवेयर को इंप्लीमेंट करने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोग सोचे थे सबसे पहले कि इसको सॉफ्टवेयर में इंप्लीमेंट करेंगे, और जैसे एक ही लैपटॉप में हम लोग काम करेंगे और अदर्स लोग भी उस कंप्यूटर को रिमोट कर पाए, कंट्रोल कर पाए, उसके लिए टीम व्यूअर को हम लोग रखे हैं। टीम व्यूअर को अपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर में रखे हुए थे, जिसके कारण हम लोग शेयर कर पाते थे अपना स्क्रीन को, और इवन उसको रिमोट भी कर सकता है कोई भी। तो जैसे हम अब अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और उस पर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, और मेरे ग्रुप मेंबर्स उसमें कुछ अगर ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो आराम से उसमें रिमोट कर सकते हैं। वो ऐप एक तो था। फिर सेकंड आता है प्रोटियस। प्रोटियस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें जैसे बेसिक कंपोनेंट तो पहले ही से एडिट था, पर हम लोग का जैसे एडवांस कंपोनेंट है, ईएसपी है, पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी सेंसर है, वो सबका लाइब्रेरी को ऐड करना था। तो हम लोग स्टार्ट किए थे उसमें। पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर तो इजिली ऐड हो गया था, और एक टेम्परेचर सेंसर वो भी हो गया था ऐड, पर ईएसपी मिलना बहुत मुश्किल हो पा रहा था। और फिर हम लोग जब हार्डवेयर को सर्च किए मार्केट में, तो जैसा कि हम लोग को मालूम है, ये कुछ लास्ट 6 मंथ से ऑक्सीमेट्री का मार्केट में इतना डिमांड बढ़ गया था। इवन कॉम्पोनेंट के लिए भी जो यूज करना था पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर, वो भी मार्केट में शॉर्ट हो गया था पूरा। हम लोग डेली सर्च कर रहे थे, कहीं भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं था। फिर अचानक से electronicscom.com एक करके एक साइट है, उसमें मिला था पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर। तो हम लोग ऑर्डर किए, तो लास्ट वीक में सारा कंपोनेंट हम लोग का मिल चुका है। okay. और हम लोग अब हार्डवेयर में भी बना सकते हैं, और हम लोग आर्डिनो के लिए भी ISIS Proteus रखे हैं, एक आर्डिनो के लिए फिर IDE रखे हैं, और ये सब से मिलकर प्रोजेक्ट को कुछ दूर तक हम लोग बनाए हैं, प्रोग्रामिंग भी किए हैं, और सारा कंपोनेंट अभी हम लोग पास अवेलेबल है, तो हम लोग उसमें ट्राई भी कर रहे हैं ब्रेड बोर्ड पे। ठीक है सरिता, आई हैव मेड यू द होस्ट। ओके, देखो तो निशा शायद ज्वाइन तो अभी, और मेरे से होस्टिंग तुम्हारे अंदर चला गया है, तो हम ज्वाइंट होस्ट करने के जगह तुमको सोल होस्ट बना दिए। सो अगर निशा ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो उसको अलाउ कर देना, ठीक है? मेरे पास अभी और ऑप्शन नहीं है। मेरे पास भी ऑप्शन नहीं आ रहा। अच्छा, सर अलाउ तो करने अभी शायद हम दिख रहे थे कि निशा वेटिंग, तो उसके अभी और नहीं शो कर रहा है, ना तो वो स्क्रीन पे है और ना अभी इस रूम में है। सो अगर वो आती है तो ओके सर। ओके, सो और बाकी लोगों का, रचना? यस सर। हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, हम तो सुने गुड न्यूज, यू हैव क्लियर्ड एसएससी। एसएससी है ना? एसएससी नो सर, एचसीएल। एचसीएल, अच्छा 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 सर, राइट। तो एक्चुअली अमृत जी हमको कॉल किए थे, तो उससे ही हमको सुनने को मिला, सो गुड, वेरी गुड न्यूज। सो और प्रोजेक्ट का कुछ काम, तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन है इसमें? यस सर, वही सिमुलेशन वाला काम भी हम लोग देख रहे थे उसी टाइम। एक्चुअली ये प्रोडक्ट सब जो लाइब्रेरी ढूंढना था, वो हमको ढूंढने बोली थी, तो दो तो हमको मिल गया, बट यही एक ह्यूमिडिटी सेंसर और ESP32 नहीं मिल रहा हम लोगों को।
अच्छा उसका लाइब्रेरी, तो इसीलिए सिमुलेशन अभी छोड़ दिए हैं। बाकी हार्डवेयर का काम तो जब तक कंपोनेंट नहीं आता सब सरिता के हाथ में ही था, अच्छा एंड नाउ विल स्टार्ट। उसके तुम लोगों का बावजूद जो घर हम क्या, लोग को मतलब बहुत पीडी, दूर दूर में है, मतलब कहाँ पे, मतलब तुम तीन चार लोग, मतलब नियर बाई कोई नहीं है? नो सर, नियर बाय हम लोग कोई नहीं है। अच्छा ठीक है। और निशा तो अभी ज्वाइन नहीं किए, वो अगर रहती तो अच्छा होता। अगर कांटेक्ट नंबर है तो बोलो कि उसको मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए। और सर धर्मेंद्र, व्हाट 1 मिनट। इज योर रोल? धर्मेंद्र कैन यू हियर मी? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अच्छा चलो ठीक है, दिखाई दे रहा था अभी चला गया। ओके व्हाट एवर। सो तुम लोगों के पास कोई पीपीटी या फिर कुछ है जो कि जिससे तुम शो कर सकते हो? अभी तो तुम्हारे पास लैपटॉप अवेलेबल है तो यस सर, हम पीपीटी में पहले हम शो करना चाहते हैं कि कौन कौन सा हम लोग प्रोटियस। ऐप यूज कर रहे हैं, और अच्छा हाँ हाँ ठीक है, तो ये हम सब, तुमको होस्ट और आने फिर दे। रचना पीपीटी शो करेगी। ठीक, ओके बात, कोई बात नहीं। तुम तो पहले तुम अभी आई थिंक बिना होस्ट का शेयर नहीं कर पाएगा स्क्रीन, ठीक है? तो तुम पहले शो करो, फिर उसके बाद रचना को होस्ट बना दो, फिर वो शो करेगी। हाँ ठीक है ओके सर। अभी निशा आई थी सर, हम उसको एडमिट किए हैं, तो पार्टिसिपेंट, शायद उसका कनेक्शन में कुछ अभी है। हाँ आ गई आ गई आ गई आ गई सर, ठीक, आ गई ओके। तो निशा। तुम कंटिन्यू करो, तुम स्क्रीन को शेयर करके। निशा यस अब कुछ काम हो रहा है प्रोजेक्ट का? तुम लोग के साथ कंट्रीब्यूट कुछ कर रहे हो? निशा कैन यू हियर मी? आई थिंक उसका कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है हाँ सबको? हाँ हाँ दिख रहा है, अभी आ रहा है, अभी तक आया हाँ नहीं है। हाँ अभी आ गया है। यस, ओके जस्ट ये है। सबसे पहले इसको, ये जो ऐप है ये प्रोटियस है। ठीक है, इसमें हम लोग जैसे देख रहे हैं, ये हार्ट बीट या सेंसर है, ये राइट। पहले से एडेड नहीं था। यहाँ अच्छा लाइब्रेरी में हम लोग को डाउनलोड करके लाइब्रेरीज को ऐड करना पड़ा था, अच्छा और फिर टेम्परेचर सेंसर को भी ऐसे ऐड किए तो हैं, पर इसके ये लिए भी मतलब मिलना यहाँ मुश्किल हो इसका पा रहा लाइब्रेरी का था। नाम फिर क्या हम लोग के है? पास हार्डवेयर आ चुका है। इसका यस लाइब्रेरी सर, का, इसका लाइब्रेरी का कुछ नाम होता है ना, जैसा हार्ट बीट क्या चीज सेंसर? का तुम फैम सर, हार्ट बीट सेंसर है क्या साइट में, मतलब लिखा लो लिखा हुआ है हार्ट बीट सेंसर, ये तो शायद इसका नाम तुम लोग दिए हो। मतलब हम पूछ सर रहे हैं का कि आवाज आ पा रहा लाइब्रेरी, है क्या? आई थिंक किस, वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी है ना कोई भी, अच्छा मतलब लाइब्रेरी का। हाँ, हम पूछ रहे हैं मतलब कुछ हाँ लाइब्रेरी का कुछ नाम तो होगा, वही पूछ रहा हूँ। हाँ, हेलो, मेरा थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था अभी। ओके ओके आई एम हेयर, डिस्कनेक्ट थोड़ा सा हो गया। यस सर। ओके सर तो यहाँ हम पे डिटेल में हम लोग देख सकते ओके हैं, सेंसर है ये, हार्ट, लाइब्रेरी का नाम यहाँ पे है अच्छा 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 हार्ट बीट सेंसर TEP। टीपी। ओके ठीक है, हम देख लिए सेंसर का नाम, फिर बोलो। यस सर, ये हो गया प्रोटियस के बारे में बात। ठीक है अब हम लोग जो, जैसे कैसे हम लोग टीम व्यूअर से करते हैं कनेक्ट, ये तो टीम व्यूअर से कनेक्ट करते हैं इससे। उसके बाद फिर हम लोग जब टीम व्यूअर जब कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे के लैपटॉप से, तो फिर हम लोग यहाँ पे आर्डिनो, यहाँ पे आके आर्डिनो 1.8.15, ये हम लोग के पास वर्जन है, इससे हम लोग ESP पे डायरेक्ट कोड को डाल सकते हैं, ओके यहाँ कंपाइल कर
करते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं अभी, तो यहाँ पे लिखे हुए जो है ये वर्क करता है, अगर सही रहा तो कंपाइल हो जाता, और गलत रहा तो कंपाइल नहीं हो पाता। हम लोग का इस कोडिंग में कहीं कहीं मिस्टेक आ रहा है, तो हम लोग अभी सर्च कर रहे हैं, एरर आ रहा है। मतलब उसका, करके रखे हुए हैं। ये मतलब तुम लोग खुद से किए हो या फिर किसी जगह से मतलब लिए हो उसके बाद मॉडिफिकेशन कर रहे हो? सर मॉडिफिकेशन खुद से कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है, अगर कॉपीड रहता सर तो फिर तो डायरेक्ट हो जाता, क्योंकि हम लोग इसलिए यहाँ पे हम लोग अभी प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा, तो इतना दूर हम लोग का काम पहुंचा है प्रोजेक्ट का। ओके और ठीक है, मेनली ताकि इट इज़ आवर फर्स्ट मतलब मीटिंग है, ऑनलाइन मीटिंग, सो यहाँ पे मतलब हम तो ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी हम निशा अगर अवेलेबल है, निशा है अभी यहाँ पे? निशा का आवाज़, यस सर, हाँ बोल रहा हूँ कि निशा इस मीटिंग में है? सर हम नहीं, आवाज ये नहीं आ रहा। सुनाई नहीं दे रहा। हाँ मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हेलो, यस सर अभी आ रहा है। हाँ हाँ यस बोल सर रहा हूँ अभी कि सर आपका निशा अवेलेबल है यहाँ पे? यस सर अवेलेबल है। तो हम ये मतलब एक बार पूछ जानना चाहते हैं फ्रॉम निशा दैट ये जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है इसका अल्टीमेट मतलब गोल क्या है, मतलब तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो बनाने के लिए और कितना काम तुम लोगों का हुआ है? निशा प्लीज एक्सप्लेन इट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर इसका मेन कंक्लूजन होगा कि वी कैन प्रोवाइड एवरी एंड ईच पेशेंट, ओके, वी कैन प्रोवाइड एवरी एंड ईच पेशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग स्टेटस इन इजली वे। तो इससे हम लोग का बेनिफिट क्या होगा? ये प्रोजेक्ट अगर मान लो सक्सेसफुल अगर रन तुम लोग से हो गया देन क्या बेनिफिट होगा सोसाइटी का? सर ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा और इजीली अवेलेबल हो जाएगा जरूरत पर। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा कितना कंट्रीब्यूशन है जो प्रोजेक्ट मतलब जितना देर तक हम देखे कोडिंग वगैरह हो रहा है, तो इसमें तुम क्या कर रहे हो, क्या मतलब तुम्हारा ग्रुप में तुम क्या काम कर रहे हो? कुछ ना कुछ तो तुम्हारा रोल है ना, ये तो ग्रुप प्रोजेक्ट है। हाँ सर ग्रुप प्रोजेक्ट है। तो मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो उन लोगों के साथ? हाँ सर कंट्रीब्यूट हो चुका है सबका। वही तो हम बोल पूछ रहे हैं ना कि तुम कौन सा पार्ट किए हो। प्रोग्रामिंग पार्ट में हेल्प कर रहे हो क्या? हेलो, यस सर। हाँ हम पूछ रहे हैं कि प्रोग्रामिंग में कर यस प्रोग्रामिंग में कर रहे हो या फिर हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन में कर रहे हो या फिर करोगे, अभी तक मतलब स्टार्ट नहीं किए हो, यही पूछ रहा हो? हाँ सर अभी तक सोच रहे थे कि कैसे भी होगा हार्डवेयर ये सब और दूर भी है। अच्छा, तो आई थिंक तुम तो अभी अभी ज्वाइन किए, तो तुम्हारा फ्रेंड लोग बोल रहे थे कि कुछ सामान वगैरह आ चुका है, सो दे आर थिंकिंग टू स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन। ओके सो देखो, और धर्मेंद्र आर यू देयर? हैंड रेस करके रखे हो और बात नहीं करते हो कुछ भी। धर्मेंद्र
ओके समहाउ सम नेटवर्क इश्यूज आर देयर सो डू नॉट नो. ओके रचना नाउ आई थिंक यू आर होस्ट नाउ सो प्लीज शो द पीपीटी. ओके पहले स्क्रीन शेयर कर लेना ठीक है, नहीं तो नहीं हो पाएगा. स्क्रीन शेयर मोड ऑन कर दो. सर मेरे फोन में स्क्रीन शेयर नहीं है. ओहो फोन से नहीं होता है स्क्रीन शेयर? होता है ना, होना चाहिए. देखो मोर ऑप्शन में जाके या फिर एक एरो टाइप का दिखता है. नॉट पॉसिबल. हाँ अभी तो आ गया. ओके राइट. आईओटी बेस्ड फिशेंट हेल्थ मॉनिटरिंग ऑन ईपीएसटी 32 वेब सर्वर. पीडीएफ है बेसिकली, नॉट पीपीडी. सर इसको हम लोग अभी तक मतलब सारा चीज बना नहीं है, तो इसको पीपीटी में बस डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया जो साइनॉप्सिस हम लोग पहले भेजे थे. अच्छा अच्छा ठीक है. ओके मेरे तो अभी कंटेंट उस पे हम लोग हाँ ठीक है. मतलब मेरा अभी आज मीटिंग कंटेंट का इसमें ही था, तो पर्पस है कि सिर्फ मतलब क्या कितना दूर तक तुम लोग का मतलब विजन है कि हम लोग ये प्रोजेक्ट अल्टीमेटली बनाना चाहते हैं और कितना तक मतलब हुआ है, वही मतलब आज मतलब मीटिंग में मतलब मेरा कंसर्न कितना दूर तक काम हुआ है, यही मेरा पर्पस था मीटिंग कंडक्ट करवाने का. क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट महीना तुम लोगों का एग्जाम हो जाए, ठीक है, ज्यादा अभी और टाइम नहीं लेगा, अभी एग्जाम हो जाएगा बहुत जल्दी क्योंकि तुम लोग का सेशंस भी आगे बढ़ जा रहा है, जून कवर हो रहा है, ठीक है, तो रिजल्ट भी तो पब्लिश करना है ना, तो सेशंस नहीं तो डिले हो जाए. क्योंकि तुम एडमिन है. हाँ ठीक है सर, आ गए सर, आ गए ना. हाँ तुम कंपोनेंट के बारे में जब बताओगी तो बताना, हम कैमरा ऑन कर लेंगे और कंपोनेंट भी सर को दिखा देंगे. सर आ, हाँ सर तो आ गए. सर का माइक ऑन नहीं है. ओके हेलो हाँ दिख रहा है, बोलो. हेलो हेलो. यस सर, हाँ हाँ शो करो क्योंकि हेलो 40 मिनट्स का सेशन है, फिर कट हो जाएगा, फिर मीटिंग कैंसिल सर हो तो जाएगा. हम लोग का प्रोजेक्ट. हाँ ओके कंटिन्यू. ओके सर, तो सर हम लोग का फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो मैक्स 30100 पल्स ऑक्सीमीटर सेंसर है. ओके इसका जो काम है, ये हम लोग का जो पल्स जो है वो हम लोग को लेगा. इसमें दो एलईडी लाइट्स है, पहला जो है वो हम लोग को रेड लाइट पास करेगा और दूसरा जो है वो इंफ्रा रेड लाइट पास करेगा. ओके ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि जैसे हम लोग का जो बॉडी है ब्लड जो ये जो इंफ्रा रेड लाइट जो है वो ऑब्जर्व करे, मे बी वो हम लोग से बॉडी
वेट भी है तो भी ये काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करेगा। एंड देन ये जो है वाटर प्रूफ है और ये 55 डिग्री सेल्सियस -55 डिग्री सेल्सियस से 125 डिग्री सेल्सियस तक का जो है टेम्परेचर को नापता है। ओके सरिता, हाँ सरिता तो वो दिखा रहा है, कंपोनेंट तो दिखा रहा है, बोलो। ओके हम लोग का फिर थर्ड जो कंपोनेंट, हाँ जो फिर हम लोग का जो थर्ड कंपोनेंट है ये DHT11 ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर सेंसर। ये एक्चुअली है ये हम लोग के जो रूम के जो जहाँ हम लोग हैं उसके सराउंडिंग के टेम्परेचर को नापेगा। अच्छा, और वो देखेगा कि टेम्परेचर उस हिसाब से हमारा बॉडी टेम्परेचर जो है वो सही मतलब बैलेंस में है या नहीं है। इनफैक्ट जैसे कभी कभी हम लोग सडनली AC रूम में घुस जाते हैं धूप से आने के बाद, तो उस वक्त हम लोग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो अनबैलेंस हो जाता है। तो वो भी हम लोग को इंडिकेट करेगा कि ये हम लोग को अपना बॉडी टेम्परेचर बैलेंस करना होगा, वरना हम लोग का तबियत खराब हो सकता है उस वजह से भी। ठीक है, तो वो हम लोग का बॉडी टेम्परेचर और ये ह्यूमिडिटी टेम्परेचर ये दोनों चेक करेगा। ये तो डिजिटल सिग्नल हम लोग को दिखाएगा। ये 4 पिन जो है इसमें ये डिजिटल पिन है, तो एनालॉग सर्किट की हम लोग को कोई जरूरत नहीं है इसमें। ओके देन हम लोग का जो है ESP32 जो मेन है हम लोग का, हाँ वो हम लोग का 36 पिन का जो है एंटेना स्विच और एम्पलीफायर ये सब इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट है, ताकि हम लोग को अलग अलग चीजों की जरूरत ना पड़े। जो भी हम लोग को जोड़ना है इसमें आर्डिनो का भी इसमें इनबिल्ट है। ओके तो ये जो है इसमें ये 18 पिन हम लोग को जरूरत पड़ेगा जोड़ने के लिए। एंड ये ऑपरेटिंग रेंज इसका 2.2 से 3.6 वोल्ट का है इसका रेंज। अच्छा, ESP का मतलब जितना हम जानते हैं, मतलब ESP का तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप आता है ना, तो उसमें मतलब ये 32 पिन है, ये बेसिकली पिन या क्या है, 32 का मतलब 32 पिन है सर इसमें। 32 पिन, तो ये डिफरेंट पिन में भी आता है। ओके, सो यू आर यूजिंग ESP32। ठीक है, यस सर। तो इतना ये ही इसका ESP8266 माइक्रो कंट्रोलर का यू नो अपडेटेड वर्जन है। ओके 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 ओके, तो इसका जो हम लोग ये हम लोग का मेन कंपोनेंट है सर। फिर देन हम लोग वायर्स यूज करेंगे, बैटरी यूज करना है। हाँ ठीक है, दैट मींस ये जो सारा मेन कंपोनेंट है ये तुम लोग ऑलरेडी परचेस कर लिए। यस सर। ओके, तो मतलब एक ही कॉपी कर रहे हो ना परचेस, मतलब एक ही क्वांटिटी पहले ट्राई कर रहे हो। यस सर, हम लोग एक ही क्वांटिटी पहले ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके सर, एक पल्स ऑक्सीमेट्री सेंसर भी है जो कि हम लोग का मेन कंपोनेंट में है ये। अच्छा अच्छा, ओके। सो फिर अभी मतलब जो जगह पे स्टॉक मतलब हुआ है वो मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ एरर आ रहा है, उसको सही करना होगा, राइट? यस सर, हम लोग का बस वो प्रोग्रामिंग सही हो जाए उसके बाद हम लोग सारा उसके बाद अभी जोड़ तो सकते बनाने में तो बाकी मतलब 1-2 दिन का काम रहेगा सिर्फ जोड़ने में। यस सर, वो अगर बन जाएगा तो ठीक है। तो ये अगर ट्राई करो, अगर कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, पहले हमको लगता है थोड़ा सा अगर देखोगे नेट से हेल्प लोगे तो आई थिंक सॉल्यूशन मिल जाएगा। नहीं होगा ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली सॉल्यूशन तुम लोग निकाल ही लोगे। फिर भी अगर कुछ अगर मान लो कॉम्प्लेक्सिटी फील करते हो फिर बोलोगे। ओके यस सर, ओके डेफिनेटली सर। तो अभी इतना ही है। और धर्मेंद्र, डू यू वांट टू से समथिंग? अभी आवाज आ रहा है तुम्हारे पास? सबके साथ बात हुआ, तुम्हारे तुमसे बात नहीं हुआ? ओके, आई थिंक सम नेटवर्क इश्यूज आर देयर। सो काम करो ठीक है, और ज़्यादा टाइम मतलब जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करो, फिर उसके बाद रिपोर्ट भी तैयार करना है। और पहले जैसा सिनोप्सिस तुम लोग सबमिट किए थे वो उस तरह से तो नहीं होगा, इस बार थोड़ा सा और भी डिटेल्स में थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनल। यस सर, उसमें फोटोग्राफ्स डालना है सारा कुछ, फोटोग्राफ्स वगैरह। तो एक हम एक डेमो कॉपी तुम लोग को शायद शेयर कर देंगे अगर तुम लोग चाहते हो तो, या फिर इंटरनेट पे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ
ऐसा करके सर्च करोगे कि बीटेक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है, मतलब एक टाइप तुम लोगों को मिल जाएगा कि किस तरह से होता है, ठीक है। फिर हम अगर तुम बोलोगे तो मेरे पास भी बहुत सारा है तो हम तुम लोग से साथ शेयर कर सकते हैं, जस्ट मतलब कैसे लिखना पड़ता है वो टाइप, क्योंकि ये एक एसेट तुम लोग के लिए होगा। जब तुम लोग बीटेक पास भी कर जाओगे ना, अगला एक साल दो साल मतलब जब कोई भी जगह पे इंटरव्यू देने जाओगे, सो द इंटरव्यूअर फर्स्ट विल आस्क फॉर द योर कि व्हाट इज़ योर व्हाट वाज योर बीटेक प्रोजेक्ट, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। तो जी मतलब अगला दो तीन साल ये तुम लोग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एक पार्ट रहेगा, तो इसके लिए रिपोर्ट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है, ठीक है। उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि हार्डवेयर तो नहीं लेके जाओगे इंटरव्यू पैनल पे या फिर कोई भी जगह पे अगर तुम इंटरव्यू क्रैक करोगे, तो ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन रहता है कि फाइनल ईयर में तुम क्या प्रोजेक्ट किए हो, तो उसमें तुम्हारा जब तुम शो करोगे तो वो रिपोर्ट ही अल्टीमेट रिफ्लेक्शन है, ठीक है। तो उसके उसी के चलते मतलब पहले से बनाओगे तो उसमें रेक्टिफिकेशन या करेक्शन हम लोग कर पाएंगे एकदम लास्ट लास्ट, अगर कि कल एग्जाम है आज तो उसमें कोई भी कुछ नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट स्टूडेंट लोग प्रिंट करके सबमिट करते हैं, मतलब जो लोग नहीं करता है। सो पहले से थोड़ा कंप्लीट करके रखोगे तो उसमें मॉडिफिकेशन या रेक्टिफिकेशन हम लोग कर पाएंगे, या वो तुम लोग के लिए एक बेनिफिट जोन में रहेगा, ठीक है, कहाँ पे सुधार किया जा सकता है। सो इतना ही बोलना था, ओके। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सर, अच्छा से तुम लोग ये प्रिपेयर करो, और अभी तो कोई थ्योरेटिकल पेपर नहीं है, सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रिपेयर फॉर योर प्लेसमेंट ड्राइव्स, ओके। बायजूस का शायद एक पैनल में तुम लोग का नाम लिया गया है, सो उसका भी इंटरव्यू हो सकता है किसी भी टाइम, तो प्रिपरेशन करना, क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि प्रोजेक्ट दिन रात तो प्रोजेक्ट काम नहीं करते हो, तो बाकी बहुत सारा आइडियल टाइम है, तो उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करोगे। और जैसा और तो रचना और रचना के लिए सरिता एक बार बात की थी ना तुम कि HCL ड्राइव के लिए कुछ HCL का कुछ, तो yes, अभी तो और शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो इसी में ज्वाइन कर लेगी। तो सर यही था HCL वाला, यही था अच्छा अच्छा यही वाला है ना, अच्छा 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 ओके। तो इसमें वो बॉन्डिंग वाला क्या क्या इश्यूज है वो जो तुम बात कर रहे थे? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हम लोग को जैसे 16th अगस्त से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ओके, तो इसका कहना है कि एडमिशन टाइम में हम लोगों को जितना मार्कशीट हमारे पास है वो चाहिए, और ट्रेनिंग स्टार्ट होने के 45 डेज के अंदर अंदर हम लोगों को अपना फाइनल ईयर का मार्कशीट पासिंग सर्टिफिकेट वो सबमिट करना है। हाँ, तो मतलब पासिंग सर्टिफिकेट का तो प्रॉब्लम हो सकता है कि बोले कोविड की वजह से लेट हो रहा है, तो उसके लिए टाइम मिल सकता है, बट जो हम लोग का 6th और 7th है वो बहुत पहले हो चुका है, फिर भी तो अगर नहीं मिलेगा उसका भी तो नहीं आया है, उसके लिए हम बात किए हैं, ओके। सो कॉलेज साइड से तुमको एक बोनाफाइड हम लोग दे देंगे कि दिस इज द मतलब जेन्युइन एंड ही शी हैज पास, एक्चुअली इसका तो रिजल्ट भी नहीं आया, हम जो उस दिन पता किए थे वही तो 6th का रिजल्ट भी नहीं आया कि क्रॉस लिस्ट में तुम्हारा एक्चुअली हम चाहते थे कि अगर मान लो कॉलेज से तुमको ऑफिस से एक बोनाफाइड मिल जाए कि तुम 6th सेमेस्टर क्लियर कर चुके हो, तो कुछ दिन टाइम यूनिवर्सिटी के अभी ये सब लॉकडाउन की वजह से हार्ड प्रिंटिंग नहीं हो रहा है, तो ड्यू टू दिस बाद में कुछ दिन मिल जाएगा, लेकिन अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया, वो भी रुका हुआ है। हाँ सर, तो हम HCL में वहाँ कॉल किए थे, उनसे पूछे तो वो लोग बोले कि अभी टाइम है, अगर आपको रिजल्ट मतलब जब प्रेसिंग टाइम आएगा तब आप वो बोनाफाइड भेज सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, वही देखो आप कॉलेज साइड से बोनाफाइड एक उपाय है, क्योंकि रिजल्ट पब्लिशिंग तो यूनिवर्सिटी या BRT सिंधी जो भी है जहाँ से भी होता है, तो थोड़ा हम पता भी किए थे, तो उन लोगों का बोला कि लॉकडाउन में उन लोग बोले कि अभी बंद है सब कुछ, ठीक है, तो कोलकाता से शायद कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह आया हुआ है और जो भी है मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, ये इट इज़ इन ट्रांजिट, ओके। सो डोंट वरी, सब कुछ हो जाएगा, और जिन लोगों का अभी नहीं हुआ है तुम लोग भी प्रिपेयर करो, अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ऐसा नहीं कि लॉकडाउन के वजह से, हाँ डेफिनेटली थोड़ा सा क्राइसिस मोमेंट है, बहुत सारा कंपनीज में शॉर्टेज है फंडिंग का, सो थोड़ा सा लेकिन तुम लोग प्रिपेयर रखन हमेशा रखोगे, जिसके चलते मतलब अपॉर्चुनिटी तो कभी ना कभी आएगा ही, तो राइट मोमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, जिससे भी मेरा बात होता है तो हम हमेशा बोलते रहता है कि प्रिपरेशन रखो, ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट नहीं है, चलो कॉलेज भी नहीं है, हॉलीडेज है, घूमे फिरे, ऐसा नहीं है, अभी बहुत वाइटल टाइम है, ये जो फेज़ है तुम लोगों का लाइफ में मतलब एक साल दो साल बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई एक अच्छा कंपनी में घुस जाओगे, अच्छा जगह पे अगर प्लेस्ड हो जाओगे
उसके बाद देखोगे बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एक अच्छा नौकरी नहीं मिलने से ना बहुत दिक्कत होता है। सो इसीलिए ये 1 साल 2 साल बहुत क्रूशियल है। ठीक है, तो अभी बहुत टाइम मिल रहा है तुम लोग का यूनिवर्सिटी में यही सोच के, नहीं तो हर बार हम लोग का जो पिछला तुम लोग का बैच से जितना सारा पहला बैच था सब में पांच पांच करके थियोरिटिकल पेपर था, लेकिन इस बार देखो एक भी पेपर नहीं है तुम लोग का, ना तो असाइनमेंट देना पड़ रहा है, मिड सेमिस्टर देना पड़ रहा है, कल से ऐसे मिड सेमिस्टर शुरू है कॉलेज में, तो ये सब नहीं है। तो ये सब टाइम मतलब यू मतलब वेस्ट मत करना। ठीक है, ये सब में अपना फायदा के लिए, इसमें कंपनीज के लिए डिफरेंट एप्टीट्यूड्स, जो जिसका जैसा गोल है, सबका तो सेम जैसा नहीं है, किसी का गवर्नमेंट जॉब में के लिए इंटरेस्ट है, किसी का आईटी सेक्टर में इंटरेस्ट है, तो जिसका जैसा जो फोकस है, अगर किसी का आईटी सेक्टर में है, तुम लोग अपना नया नया न्यू न्यू लैंग्वेज के ऊपर ग्रिप करो, एसक्यूएल पाइथन ये सब के ऊपर कमांड बनाओ, तो जिसका जो रोल है, जिसका जहाँ पे जो ड्रीम है, उसी के पीछे तुम लोग मतलब फोकस्ड होके मतलब तैयारी करो। ओके ओके, चलो यस सर ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर।